नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्या। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट के बारे में। कटहरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है? कटहरी विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण एक्चुअल वाला क्या है और कटहरी विधानसभा सीट का इतिहास क्या है? बीजेपी कब यहाँ पर चुनाव जीती है? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कब यहाँ पर चुनाव जीती है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं अंबेडकर नगर की जो कटहरी विधानसभा सीट है, लालजी वर्मा यहाँ विधायक थे, सांसद बन गए, सीट खाली हो गई। अब यहाँ पर एक सर्वे आया हुआ है दोस्तों, इस सर्वे के आधार पर ये बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रत्याशी का सर्वे है। और कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों इसके अंतर्गत दिए गए नाम को ही टिकट मिले। हालांकि जो मैं बीजेपी की तरफ वाला बता रहा हूँ, बीजेपी की तरफ वाला टिकट बता रहा हूँ, इन्हीं में से किसी एक को टिकट मिलेगा 100% है। लेकिन सबसे ज़्यादा अवधेश द्विवेदी को लोग पसंद कर रहे हैं 29%। 2017 में चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, 7000 वोटों से चुनाव हारे हैं। किसके सामने हारे हैं? लालजी वर्मा के सामने हारे हैं। और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप निष्पक्ष भावना से अगर आप समझेंगे तो इस सीट पर एक तरफा मुकाबला अब की बार नहीं होगा, एक तरफा नहीं होगा, याद रखिएगा हमारी बात को। धर्मराज निषाद 27%, धर्मराज निषाद को लोग पसंद कर रहे हैं, टिकट इनको भी बीजेपी दे सकती है। वैसे बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में पिछले कई बार से उतारा गया है, ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव हार चुका है। कारण क्या है? ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को तो मिलता ही है, यानी कि बीजेपी को तो मिलता ही है, ठाकुर भी मिलता है, बनिया भी मिलता है, अन्य भी मिलता है। लेकिन बीजेपी की कोशिश अब की बार है कि धर्मराज निषाद को सेट किया जाए, सेट का मतलब इनको टिकट दिया जाए। इनको टिकट देने थे, ब्राह्मण भी जुड़ेगा, ठाकुर भी जुड़ेगा 100% आप मानिएगा, और वहीं पर निषाद भी अधिकांश संख्या में जुड़ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं पर अजीत सिंह हैं, ठाकुर हैं, इनकी भी दावेदारी है। और यहाँ पर कपिल देव वर्मा हैं, अन्य में अजय सिंह सिपाही हैं। अजय सिंह सिपाही जो हैं इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दलीय चुनाव लड़े और अच्छा खासा वोट प्राप्त कर चुके हैं। तो देखते हैं टिकट किसको मिलेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभावती वर्मा को 39% लोग चाह रहे हैं, इस दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक ऐसी खबर है। लेकिन दोस्तों, शोभावती वर्मा लालजी वर्मा की पत्नी है, इनकी बेटी का भी नाम आ रहा है। शंखलाल मांझी को 24%, भीम निषाद को 22%। जिन भीम निषाद की बात मैं लगातार करता हूं, क्योंकि भीम निषाद को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया था और जगह जगह पर कहा था समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ने भी कि ये सीट खाली हो जाएगी, निषाद समुदाय की बस्तियों में कोई निषाद ही चुनाव लड़ेगा, ऐसी चर्चा थी। विशाल वर्मा का भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर एक जातिगत समीकरण रखने वाला हूँ। जातिगत समीकरण जो है लगभग इसी के आसपास एकदम है, क्योंकि इसमें कोई विशेष जाति ही नहीं है, इसमें जितनी जातियाँ इस क्षेत्र में रहती हैं लगभग सभी हैं। तो पहला नंबर दोस्तों, कटहरी के अंतर्गत जैसे दलित हैं, सबको पता है ये जो लोकसभा क्षेत्र है अम्बेडकर नगर, ये बसपा का गढ़ रहा है और अभी भी है, देख लीजिएगा, बसपा का गढ़ अभी भी है। लेकिन बसपा की मजबूरियां हैं कुछ, उस मजबूरियों को हम कैमरे पर नहीं कहना चाहते हैं। पासी वोटर जो है, धोबी और पासी मिला करके, इसमें धोबी और पासी मिला करके भैया यहाँ पर करीब 10,000 है। कुल मिलाकर दलित का वोट यहाँ पर 95,000 है, सोच लीजिएगा 95,000। लेकिन आगे चलते हैं, इस दलित में जाटा वाले दलित हैं, ब्राह्मण यहां पर जो है, ब्राह्मण 50,000 है। और यहां पर जो ठाकुर हैं, ठाकुर मतलब योगी के स्वजातीय लोग जो हैं यहां पर, वो है लगभग 30,000। वहीं पर दोस्तों कुर्मी जो है यहां पर, वाकई में जो कुर्मी हैं सबसे ज्यादा यहां पर 45,000 है।
और मैं बोल के बता दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना खर्च हो। कुर्मी 45,000, यादव 22,000 है, मुस्लिम 40,000 है, और यहाँ पर कोरी नहीं है। निषाद करीब 30,000 है, मौर्या 10,000 है, राजभर 20,000, पाल 7,000, बनिया 15,000, कुम्हार कहार 6,000, नाई 8,000, चौहान 5,000, विश्वकर्मा 4,000, अन्य 10,285, कुल मिलाकर के 3,97,000 वोट है। कुल मिला के मोटा मोटा आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा कई बार रहा है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। 2022 में भी अवधेश लड़े थे यहाँ पर, और लालजी वर्मा केवल 7,696 वोटों से चुनाव जीते हैं। 37.78% यहाँ पर लालजी वर्मा को वोट मिला था सपा से, 34% वोट यहाँ पर भाजपा से मिला था। निषाद पार्टी से बीएसपी के प्रतीक पांडे लड़े थे, 58,023, यानी कि दो ब्राह्मण यहाँ पर मैदान में उतरे थे, एकदम साफ साफ बात है। और बसपा का वोट अभी भी देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा ब्राह्मण का वोट नहीं होगा, साफ साफ मैं बात बता दूं। इसमें इनके संबंधों का जो वोटों का प्रतीक पांडे के, बाकी इसमें नहीं होगा। इस वाली कैटेगरी में ब्राह्मण ज़्यादा वोट दिए होंगे, क्योंकि जो लड़ाई में रहता है वैसे ब्राह्मण बीजेपी का वोटर माना जाता है, साफ साफ बात है, अपवादों को छोड़ करके इस समय। और उसके पहले लालजी वर्मा लड़े थे, तब भी 6,287 वोटों से जीते थे। बीजेपी दो नंबर थे, अवधेश कुमार द्विवेदी, वही द्विवेदी जी दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर तीन नंबर पर थी। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लालजी वर्मा चुनाव जीत जाते हैं 2017 में, और बीजेपी चुनाव हार जाती है केवल 6,000 से। तो 2012 में शंखलाल मांझी समाजवादी पार्टी से जीते हैं, और वहीं पर 2007 में बीएसपी चुनाव जीती है मात्र 240 वोटों से, और वहीं पर 2002 में धर्मराज निषाद बीएसपी से चुनाव जीते हैं। 1996 में धर्मराज निषाद चुनाव जीते हैं, और 1993 में भी रामदेव वर्मा चुनाव जीते हैं। 1991 में अनिल कुमार तिवारी चुनाव जीते हैं, बीजेपी 1991 में यहाँ पर चुनाव जीत पाई है। तो आप ये समझ सकते हैं बीजेपी के लिए कठिन सीट है। लेकिन दोस्तों अब की बार जो ये उपचुनाव है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पटेल हैं, जो पटेल कर्मचारी हैं, उनको हटवा दिया गया है, ऐसा आरोप लालजी वर्मा की तरफ से लगाया गया। बाकायदा चिट्ठी भी जारी हुई थी, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी बताया था। देखिए मैं एक तरफा बात नहीं करता, एकदम साफ साफ बात है, इस सीट पर लड़ाई है। पिछले दो चुनावों का ट्रेंड अगर आप उठा के देख लें, 6,000-7,000 वोट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और किस चक्कर में चुनाव जीते हैं लालजी वर्मा, मैं ये भी बता दूं, लोकप्रिय है, सब कुछ है, समाजवादी पार्टी का वोट भी है, केवल वहां पर सवर्ण बनाम बैकवर्ड की लड़ाई में चुनाव जीते हैं। अगर यहां पर निषाद को बीजेपी ने टिकट दे दिया, ये जान लीजिएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और हमारी कोई भावना नहीं है, लेकिन आपकी जो भी भावना हो आप अपनी भावना को बताइएगा। रिजल्ट जो भी होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन इस सीट पर अब की बार समाजवादी पार्टी को बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है। देखो फंसा पाती है कि नहीं फंसा पाती है। बसपा ने वर्मा खड़ा कर दिया है, समाजवादी पार्टी वर्मा अगर खड़ा करती है या भीम निषाद को टिकट देती है, तो कौन जीतेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।